पार्सल डिलीवर करते हुए अगर कोई पार्सल गिर जाता है तो उसे व्हीकल को रोककर उठा लिया जाता है। पर क्या आपको पता है कि साल में हजारों कंटेनर पानी में गिर जाते हैं शिप्स से। तो इन गिरे हुए कंटेनर्स का क्या होता है और इन्हें कैसे ढूंढा जाता है, चलो बताता हूँ। देखो, जब भी कंट्रीज के बीच में कोई भी सामान का ट्रांसपोर्ट करा जाता है, वो भी शिप की मदद से, तो शिप्स को कई हजारों किलोमीटर दूर का ट्रेवल करना होता है। ऐसे में तूफान आने पर इन्हें कभी कभी खाली बिना सामान के ही जगहों पर पहुंचना पड़ता है। पर मौसम के बिगड़ने की वजह से 10 से 15 हजार कंटेनर हर साल पानी में गिर जाते हैं। तो शिप गिरे हुए कंटेनर्स को पानी से नहीं उठाती। पर क्यों? तो देखो, अगर कंटेनर पानी में गिर गया तो उसे वापस लोड नहीं किया जाता, क्योंकि एक कंटेनर के चक्कर में बाकी कंटेनर्स के गिरने का खतरा बना रहता है। और इनमें से कई सारे कंटेनर पानी में डूब भी जाते हैं, कुछ तो तैरते तैरते समुद्र के किनारे में आ जाते हैं, जिनका सामान लोग ले लेते हैं। वैसे आपको शिप में ट्रेवल करना पसंद है या फिर एरोप्लेन में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।